ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप यह कविता सुनिए और इस कविता को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं खाकी हूँ, दिन हूँ, रात हूँ, सांझ वाली बाती हूँ, मैं खाकी हूँ। होली में, रमजान में, आंधी में, तूफान में, देश के सम्मान में, अड़िग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूँ मैं खाकी हूँ। तैयार हूँ हमेशा ही तेज धूप और बारिश को हंसकर सहने को, सारे त्योहार भीड़ के साथ मनाने को, कभी पत्थर और कभी गोली भी खाने को, मैं बनी दूजी माटी हूँ मैं खाकी हूँ। विघ्न विकट सहकर भी सुशोभित सज्जित भाती हूँ, मुस्काती हूँ, इटलाती हूँ, वर्दी में गौरव पाती हूँ मैं खाकी हूँ। कम में प्रकाश हूँ, अंधेरे में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त में आस हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। बुलाओ तो दौड़ी चली आती हूँ मैं खाकी हूँ। भूख और थकान की बात ही क्या, भूख और थकान की बात ही क्या, कभी आहट हूँ, कभी चोटिल हूँ, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूँ मैं खाकी हूँ। यह जो कविता आपने सुनी, यह कविता हमारे देश के आईपीएस ऑफिसर विश्वास नागरे पाटिल ने कही है, उन्होंने ही लिखी है और उन्होंने ही कहा है। दरअसल में जिस प्रकार से हमारे देश की जो अर्ध सैनिक बलें हैं, वह देश की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर पुलिस है जो हर राज्य की और हर एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इन पर टाइम टाइम पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस खड़े किए जाते हैं, मगर जब आज पूरा देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, तो ये वही पुलिस वाले हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के हमारे और आपके परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। यह वही पुलिस वाले हैं जो बगैर खाए पिए रात दिन सड़कों पर तैनात हैं ताकि हम और आप अपने घर में चैन से सो सकें। लेकिन फिर भी कुछ लोग इनको भला बुरा कहते हैं, कुछ लोग इनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, कुछ लोग इनकी बातें नहीं मानते। इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो अपने बच्चों से भी दूर रहते हैं। अब ये आप सोचिए कि ये अपने रात में अगर घर जाते होंगे तो कितना बड़ा खतरा लेके घर जाते होंगे। ना अपने बच्चों को छू सकते हैं, ना अपने परिवार के साथ उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि यह जो वायरस है यह इतना खतरनाक है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में पता ही नहीं चलते। आप कितनी भी सफाई रख लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, इसके शुरुआत में लक्षण पता ही नहीं चलते। अब आप सोचिए कि ये लोग हमसे क्या मांग रहे हैं। बस हमसे यही मांग रहे हैं ना कि हम अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। बाहर बहुत ही जरूरी काम हो या किसी दवा लेनी हो या किसी को डॉक्टर को दिखाना हो तो जाना उचित है। लेकिन जैसे टाइम पर कई वीडियो सामने आती हैं जिसमें कई लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, कई लोग घूमते हुए नजर आते हैं, आप जरा अपने दिमाग से सोचिए क्या ये सही है। ये पुलिस वाले हमसे क्या चाहते हैं? बस हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें, ताकि हम अपने परिवार के साथ हंस खेल कर आगे की जिंदगी अच्छी बिता सके। अब आप सोचिए, अगर यदि इन परिवारों में से, इन पुलिस वाले परिवारों में से किसी एक को कोरोना वायरस हो जाए तो उनके परिवार का क्या होगा? सरकारें तो उन्हें 50 लाख का मुआवजा दे देंगी, मगर उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी बीवियों को क्या होगा? किसी का 4 साल का बच्चा होगा, किसी का अभी बच्चा पैदा हुआ होगा, किसी की शादी हुई होगी, और कोई तो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होगा। जैसे हम अपने सैनिकों के बारे में सोचते हैं, अपने सैनिकों के लिए सोचते हैं कि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो हम उनके लिए आंसू बहाते हैं, तो आज और हमेशा के लिए आप यह एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि पुलिस वाले भी हमारे लिए उन्हीं सैनिकों के समान हैं जो आज इतनी बड़ी विपदा पे हमारे देश के अंदर मौजूद हैं और हर परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं, हर गली मोहल्ले में सामान पहुंचा रहे हैं, हर किसी को दिक्कत ना हो इसके लिए खड़े हैं वह, कि उसे आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो आप उसकी बात मानिए, अपने घर में रहिए, और यदि आप उनको देखते हैं तो उनसे आप पूछिए कि क्या वो कुछ खाना पीना चाहते हैं। अगर पीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, सफाई के साथ उनको दे, या मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है,
आप इस कविता को एक बार फिर से सुने और बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इस छोटी सी कविता में, एक मिनट की कविता, ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, एक मिनट की कविता में कितना बड़ा ज्ञान है और कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है, या आप समझने की कोशिश करें। यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कर दें और इस कविता को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर यह कविता किसी खाकी वाले के पास पहुंचे तो उसको भी गर्व हो कि हां, हमारे लिए किसी ने कुछ तो लिखा, कि हमारे लिए आप, हमारे लिए ये लोग इस कविता को इतना शेयर कर रहे हैं कि आज हम लोगों में या एक तरीके की जागरूकता पैदा हो गई है कि हम पुलिस वालों की बात मान रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उनकी हर कही हुई बात को दिल से लगा के रख रहे हैं। बस आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप यह हमारा अगर वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।